यहाँ पर सीडी रोम ड्राइव एंड डीवीडी रोम ड्राइव के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सीडी रोम ड्राइव और डीवीडी रोम ड्राइव कैसे काम करती है और इनमें क्या इसमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहली बात सीडी रोम ड्राइव का फुल फॉर्म के उसका एब्रिविएट अगर हम करते हैं तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जबकि डीवीडी रोम ड्राइव को हम बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, वर्सेटाइल भी बोल सकते हैं या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं, बाकी आगे रीड ओनली मेमोरी तो लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस को स्टडी करने से पहले, दोनों केसेस के अंदर हमेशा जो हमारा डेटा है स्टोर करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल ट्रैक। स्पाइरल ट्रैक का मतलब है जैसे आप लोगों ने देखा होगा जलेबी, जैसे जलेबी देखा होगा आपने, सिमिलरली यहां पर भी अगर हम मैग्नेटिक के अंदर बात करते थे तो मैग्नेटिक के अंदर इस तरीके से कंसेंट्रिक ट्रैक होते थे, ठीक है, लेकिन सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, स्पाइरल ट्रैक होते हैं। स्पाइरल ट्रैक स्टार्ट कहां से होता है, आउटर मोस्ट, बाहर से शुरू होता है अंदर की तरफ जाता है, लाइक दिस। सो इस तरीके के ट्रैक्स ऑप्टिकल मीडिया के अंदर होते हैं सीडी रोम ड्राइव या फिर डीवीडी रोम ड्राइव के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क के अंदर सेक्टर्स बनते थे, ये तो क्या बने हैं, ट्रैक है ये मैग्नेटिक के अंदर, ये ऑप्टिकल के अंदर, तो जैसे कि हमारे पास इसके अंदर सेक्टर्स होते थे वैसे ही हमारे पास इसके अंदर भी सेक्टर्स बनाए जाते हैं एंड ऑल द सेक्टर्स आर इक्वल इन साइज, जबकि इसके अंदर हमारे पास सारे सेक्टर्स इक्वल साइज के नहीं होते थे, इसीलिए हम इसके अंदर कंसेप्ट यूज करते थे ZBR का, जोन बिट रिकॉर्डिंग, आगे भी डिस्कस कर लेंगे। कमिंग ऑन टू द अनदर पॉइंट इज डिस्क इज ऑलवेज कोटेड विद थिन लेयर ऑफ मेटल। जो हमारे पास सीडी या डीवीडी की बात करें तो इसके अंदर डिस्क जो है वो कोटिंग करी जाती है एक मेटल से, और वो मेटल हमारे पास कौन सा हो सकता है, या अल्मोनियम या फिर सिल्वर हो सकता है, विच एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। रिफ्लेक्टिव का मतलब है जब लाइट उस पर्टिकुलर सरफेस पर पड़ेगी तो लाइट या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। और सीडी रोम ड्राइव डीवीडी रोम ड्राइव की जो कैपेसिटी है, इंस्टेड हम सीडी रोम ड्राइव के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी जो कैपेसिटी है इट रेंजेस फ्रॉम 600 MB टू 700 MB, जबकि डीवीडी की कैपेसिटी 4.7 GB से शुरू होती है और 12-13 GB तक जो है ये जाती है। एग्जैक्ट मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ, डीवीडी के ऊपर जब हम आएंगे तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। डेटा इज परमानेंटली स्टैम्प्ड ऑन टू द डिस्क, सीडी या डीवीडी के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर करा जाता है, डेटा ऐसा नहीं है कि डेटा उसके अंदर डिलीट हो जाता है, एक बार जो डेटा स्टोर हो गया वो डेटा दोबारा से डिलीट नहीं होगा, दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्म भी बोलते हैं, दैट इज राइट वंस रीड मेनी, मतलब कि एक बार इसके अंदर लिख दिया जाता है और बहुत बार मेनी टाइम्स हम इससे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज राइट वंस एंड रीड मेनी। इट होल्ड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड दैट कैन ओनली बी रेड एंड नॉट ऑल्टर्ड, ये परमानेंट रिकॉर्ड रखता है जिसको चेंज नहीं करा जा सकता, ऑल्टर नहीं करा जा सकता, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वॉर्म। एक यहां पर ये सीडी या डीवीडी दोनों की वर्किंग जब आपको आ जाती है तो अगर आपको पूछी जाती है एग्जाम के अंदर तो आप बता सकते हैं दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में फर्क हो जाता है। यहां पर हम देखते हैं अ लेजर लाइट, एक लाइट का जो सोर्स है जिसको हम लेजर लाइट सोर्स बोलते हैं, वो लेजर लाइट का जो सोर्स है वो कहां पर फोकस करा जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करा जाता है। यहां पर हम लेजर की बीम क्यों यूज करते हैं, लेजर सोर्स क्यों यूज करते हैं, लेजर लाइट क्यों यूज करते हैं, उसका एक ही एक रीजन है, क्योंकि लेजर लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर
एक्यूरेटली फोकस कर सकती है, जबकि अगर हम एक नॉर्मल लाइट भी हम डाल सकते हैं लेकिन नॉर्मल लाइट जो है वो एक्यूरेटली फोकस नहीं करेगी और वो नॉर्मल लाइट क्या करेगी, स्कैटर कर जाएगी इधर उधर, कहीं और स्कैटर कर जाएगी। दैट इज वाई हम लेजर लाइट को यूज करते हैं। इट इज रिटन ओवर हियर, अ लेजर लाइट अलाउज द बीम ऑफ लाइट टू बी फोकस्ड एक्यूरेटली एट वन पॉइंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद स्पॉट दैट रिफ्लेक्ट्स द लेजर बीम इज इंटरप्रेटेड एज वन एंड द स्पॉट दैट वेयर द लाइट इज स्कैटर्ड इज इंटरप्रेटेड एज जीरो। और जहां पर भी वन होगा उसको हम लैंड बोलेंगे, जहां पर जीरो आएगा वहां पर हम पिट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम समझते हैं। इसको किस तरीके से समझा जाता है कि लेजर की जो लाइट है उसको जहां पर डालेंगे और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट कहां पर पहुंचेगी, सेंसर के पास आएगी। ये लाइट हमने डाली और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के कहां चली गई, सेंसर के पास लाइट आई। तो जब ये सेंसर के पास लाइट आएगी तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे से जहां से लाइट आई है उसको हम क्या बोलेंगे, लैंड बोलेंगे। मतलब कि जहां पर लाइट डली और वहां से वापस आ गई उसको हमने लैंड बोल दिया। लैंड का मतलब है एक प्लेन सर्फेस। पिट, पिट हमारे पास क्या है, जब लाइट हमारे पास डली और वो लाइट सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्टिव सरफेस पे पड़ी और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस सेंसर के पास नहीं आई, जैसे यहां पर आ गई थी, यहां पर हमारे पास लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आई, तो उस पर्टिकुलर केस में वो लाइट वहां पर ही स्कैटर कर जाएगी और वहां पर क्या बन जाएगा, बंप बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, दैट इज नोन एज पिट। तो जहां पर भी लाइट स्कैटर कर जाएगी और लाइट वापस सेंसर रिफ्लेक्ट नहीं, सेंसर डिटेक्ट नहीं करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिट। और पिट के लिए जो डेटा असाइन करा जाता है दैट डेटा इज ऑलवेज बिट जीरो। ठीक है, और जब हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस सेंसर के पास आएगी दैट डेटा विल बी असाइंड एज बिट वन। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस सेंसर के पास आएगी, तो हम वहां पर कह सकते हैं दैट देयर इज नो डेटा। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं वेयर एवर देयर इज अ लैंड इट मींस दैट देयर इज नो डेटा। ठीक है, और इट इज असाइंड एज बिट वन, जबकि जहां पर हमारे पास लाइट नहीं आएगी, जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस सेंसर के पास नहीं पहुंचेगी वहां पर हम क्या कह सकते हैं, दैट इज सेड टू बी एज पिट एंड इट इज नोन एज बिट जीरो। ठीक है, तो लैंड और पिट का कंसेप्ट, चाहे वो डीवीडी ड्राइव है चाहे वो सीडी ड्राइव है, दोनों के केस में लैंड और पिट का कंसेप्ट आता है। आपको पेपर में असाइनमेंट्स में ये क्वेश्चन दिया भी गया है और पूछा जाता है जनरली कि हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड ऑन द ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम। तो डेटा हमेशा लैंड और पिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है इन द केस ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम। इज दिस पॉइंट क्लियर?